दोस्तों आजकल सभी स्मार्टफोन में हमें जीमेल देखने को मिल जाता है, लेकिन जीमेल के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे किसी भी जीमेल आईडी को अपने फोन से रिमूव किया करते हैं और कैसे किसी भी जीमेल को अपने फोन में ऐड कर किया जाता है। तो ये ऐड करना और रिमूव करना दोनों मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो आसानी से आप समझ जाएंगे और किसी भी फोन में जीमेल को लॉगिन कर सकते हैं और जीमेल को रिमूव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिमूव करने के लिए बताता हूं कि कैसे किसी भी जीमेल को आप अपने फोन से रिमूव करोगे, वो भी बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले फोन का सेटिंग को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद सबसे पहले नीचे चला जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट एंड सिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सभी फोन में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, आप अकाउंट एंड सिंक यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो और ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी अकाउंट होगा जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक, ईमो और उसी के अलावा व्हाट्सएप, वो सब कुछ आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं गूगल भी शो करेगा क्योंकि गूगल भी यहाँ पर लॉगिन है इस फोन में। तो यहाँ पर गूगल पर में क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हो एक मोर का बटन देखने को मिल जाएगा नीचे, या फिर आपके फोन में कॉर्नर साइड में देखने को मिलेगा, लेकिन मोर का बटन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा या थ्री डॉट्स का बटन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो दो ऑप्शन आपके पास निकल के आएगा, एक रिमूव अकाउंट का और सिंक नाउ के। तो यहाँ पर रिमूव क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही रिमूव पर फिर से क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर जो भी लॉक आईडी होगा यानी कि लॉक स्क्रीन का पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पर देना होगा और आपके फोन से ये जीमेल आईडी रिमूव बिल्कुल हो जाएगा और उसके साथ साथ जीमेल से जुड़ी हुई जितने भी चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ पर हट जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा जितने भी यहाँ पर जो भी टिक मार्क लगा हुआ वो सब कुछ यहाँ से हट जाएगा आपके फोन से, यहाँ पर प्ले स्टोर से, यूट्यूब से, हर जगह से जीमेल आईडी ये वाला हट जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे किसी भी जीमेल को लॉगिन किया जाता है फोन में, जबकि पहले से ही जीमेल आईडी अगर आपके पास है लॉगिन तो कैसे दूसरा जीमेल आईडी लॉगिन किया जाता है। तो लॉगिन करना भी बहुत ही आसान है, उसके लिए आप प्ले स्टोर को ओपन कर सकते हो या फिर यहाँ पर जीमेल, यहाँ पर यूट्यूब या फिर यहाँ पर गूगल फोटो या कोई भी गूगल के एप्लीकेशन को आप ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ, आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो और सेम प्रोसेस है, आपको लोगो के ऊपर में क्लिक करना है जो भी आपका पहले से यहाँ पर लॉगिन होगा। नहीं भी होगा तो आपको यहाँ पर एक आइकॉन देखने को मिलेगा वहां पर उसी जगह पर, वहां पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं तीर का निशान है, इसके ऊपर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड अनदर अकाउंट, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गूगल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर गूगल के ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पर चेकिंग होगा और चेकिंग होने के बाद यहाँ पर पूछेगा कि आप अपना पिन डालिए, जो भी लॉक स्क्रीन पिन है या फिंगर है वो यहाँ पर डालिए। तो यहाँ पर मैं अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड डाल दिया हूँ और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद ये फिर से चेकिंग होगा और चेकिंग होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर जीमेल आईडी को डाल सकते हैं अगर आपको पासवर्ड मालूम है तो, अगर पासवर्ड मालूम नहीं है, जीमेल आईडी मालूम है तो यहाँ से आप फॉरगेट के ऊपर में क्लिक करके ये भी यहाँ से नया पासवर्ड बना सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर क्रिएट अकाउंट भी पर क्लिक करके क्रिएट भी कर सकते हैं। कोई नया जीमेल आईडी बनाना है तो यहाँ से आप बना सकते हो और ये बहुत ही आसानी से आप यहाँ से ये सब काम कर सकते हो। यहाँ पर जीमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन कर लेना है, यहाँ पर फॉरगेट अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से वो भी रिकवर कर सकते हैं, यहाँ से नया अकाउंट भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी फोन में आप किसी भी जीमेल आईडी को एड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।